डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, केमिस्ट्री में हम लोग हेलो एल्केन हेलो बेंजीन चैप्टर को पढ़ रहे थे, और इस हेलो एल्केन हेलो बेंजीन चैप्टर में हम लोगों ने हेलो एल्केन के बारे में ढंग से पढ़ा, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो बेंजीन। तो टॉपिक दिया जाए हेलो बेंजीन, ठीक है, हेलो बेंजीन। अब हेलो बेंजीन क्या होता है, ये हेलो बेंजीन का निर्माण कैसे होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हेलो बेंजीन कैसे बनता है, तो इसको जानने के लिए हम लोग फर्स्ट एरो देंगे हेलो बेंजीन के नीचे, लिखा जाए जब बेंजीन को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाए, तो जब बेंजीन को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो हेलो बेंजीन का निर्माण होता है। हेलो बेंजीन का निर्माण होता है। देखिए, अब हेलो बेंजीन बनता कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेलो बेंजीन का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो कोई भी बेंजीन को हैलोजन के साथ कराने पे, यानी रूल्स क्या बोला, रूल्स ये बोल रहा है, उसके नीचे रूल्स लिखेंगे कि जब कोई भी बेंजीन होगा, और बेंजीन का तो हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर कि ये बेंजीन होता है, हम लोग 10th क्लास में बेंजीन के बारे में पढ़ा है, ये बेंजीन है। इस बेंजीन को हम लोग किसी भी हैलोजन के साथ, और हैलोजन X2 के रूप में रहता है, तो अगर किसी भी हैलोजन को, अगर बेंजीन, ये क्या है, ये है बेंजीन और ये है हैलोजन, तो बेंजीन और हैलोजन के साथ कराते हैं तो हेलो बेंजीन बनता है। अब हेलो बेंजीन का क्या फार्मूला हो सकता है भाई, तो हेलो बेंजीन का फार्मूला ऐसे हो सकता है, ये एक्स जुड़ गया फिर प्लस एच एक्स, ठीक है, तो इसी का नाम है हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि अगर कोई बोलेगा कि हेलो बेंजीन क्या होता है या कैसे बनता है, तो ये हेलो बेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन और हैलोजन को आपस में मिलाने से हेलो बेंजीन और हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। आपको पता होना चाहिए बेंजीन का फार्मूला और हैलोजन। चलिए अब हम लोग जरा इस पे कुछ हम लोग एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो अगर मान लिया एग्जांपल्स हम लोग करना चाहें, तो पहला एग्जांपल ये कर सकते हैं कि अगर कोई भी बेंजीन रहा, ये बेंजीन, अब इस बेंजीन को हम लोग हैलोजन, तो हैलोजन तो वही 5 होते हैं ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, तो यहां पे कोई सा भी रख लो आप, Cl2 रखे, तो यहां पे क्या बनेगा, इस बेंजीन से X जुड़ेगा, तो X की जगह पे क्या लिया हुआ है, Cl यानी कि क्लोरीन, तो यहां पे Cl जोड़ दिया गया, और यहां पे कुछ इस तरीके का मामला फिट हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्लोरो बेंजीन होगा, क्लोरो बेंजीन। क्यों इसका क्लोरो बेंजीन नाम होगा, क्योंकि यहां पे सीएल जुड़ रहा है, यहां पे हेलो बेंजीन का मतलब क्या, हेलो मतलब हैलोजन, वो फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है, क्लोरो बेंजीन, और प्लस हाइड्रोजन हैलाइड वायर हो जाएगा, तो यहां पे कौन सा बेंजीन हैलोजन यूज किया गया है, क्लोरीन ना, तो यहां पे हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर हो जाएगा,
इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए इस पे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, कुछ इस तरीके से है। मान लिया एग्जांपल नंबर टू कुछ इस तरीके से है। इस बार बेंजीन लिया गया, ठीक है, ये बेंजीन रहा और इस बेंजीन को हम लोग बी आर यानी कि बी आर टू यानी कि ब्रोमीन के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो ब्रोमीन के साथ क्या बनेगा, तो उस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ेगा, तो इस बेंजीन रिंग से, इस बेंजीन रिंग से हमें जुड़ने वाला है ब्रोमीन, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड आगे होगा HBr, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बेंजीन रहा और ये ब्रोमीन रहा, ये ब्रोमो बेंजीन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ रहा है, तो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐसे ही बच जाएगा। तो हम लोग बहुत सारा इस पे कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हेलो बेंजीन कैसे बनता है, अगर कोई भी बेंजीन को किसी भी हैलोजन के साथ कराएंगे, किसी भी हैलोजन, यहां बी आर टू के जगह पे एफ टू हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग बना सकते हैं बेहिचक, ठीक है। चलिए हम लोग आगे सीखते हैं कुछ और अन्य अभिक्रिया। तो अब उसके नीचे नोट में करके लिखेंगे, एन ओ टी ई, नोट, नोट में लिखेंगे शैंडमायर अभिक्रिया। समझेंगे कि अब शैंडमायर अभिक्रिया क्या है, शैंडमायर अभिक्रिया, ठीक है, शैंडमायर अभिक्रिया नोट में करके लिखेंगे। ये शैंडमायर अभिक्रिया क्या है जरा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो इसके नीचे एरो देंगे, शैंडमायर के नीचे लिखा जाए, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या लिखे, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से, यहां पे देख पा रहे होंगे ना, ये बेंजीन रिंग से NH NHCl जुड़ा रहता है, N2Cl, सॉरी N2Cl, तब इसका नाम हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप यहां पे लिखिए, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, पोटेशियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो हेलोबेंजीन का निर्माण होता है, तो हेलोबेंजीन का निर्माण होता है। चलिए अभी हम लोग क्या सीखे कि हेलोबेंजीन का जो निर्माण होता है वो पहला तरीका कौन सा है, तो पहला तरीका है कि जब बेंजीन को हेलोजन के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे फिर भी हेलोजन, हेलोबेंजीन बनेगा। लेकिन दूसरा अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो दूसरा में अभी हम लोग सीखे कि हेलोबेंजीन बनाने का दूसरा तरीका भी है, और दूसरा तरीका क्या है भाई, तो शैंडमायर अभिक्रिया द्वारा, शैंडमायर अभिक्रिया द्वारा भी हम लोग हेलोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि शैंडमायर अभिक्रिया द्वारा हेलोबेंजीन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नीचे हम लोग एक रूल्स को सीखेंगे, क्या है वो भाई, रूल्स क्या है। सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब, ठीक है, ये हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब बेंजीन रिंग से N2Cl का जुड़ना,
ठीक है, बेंजीन रिंग से N2Cl का जुड़ना। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हैलाइड। पोटेशियम हैलाइड का मतलब के माने पोटेशियम और X मतलब पोटेशियम के साथ कोई भी हैलोजन, जैसे के एफ हो सकता है, के सी एल हो सकता है, के आई हो सकता है, के बी आर हो सकता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कराएंगे क्या बनेगा, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक हेलोजन जुड़ेगा, ठीक है, और यहां पे बनेगा क्या N2O, यानी कि वो सब जो है ना बाहर निकल जाएगा, यानी कि N2 प्लस KCl। ये हम लोगों का काम का नहीं है। हालांकि आप सीखेंगे कि अगर कोई भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको अगर पोटेशियम हैलाइड के साथ, और पोटेशियम हैलाइड बोले तो KX के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन रिंग से हैलोजन, इसको बोलेंगे हेलोबेंजीन N2KCl। यानी कि इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो फिक्स रहने वाला है भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, ठीक है। अब इसके साथ कोई भी पोटेशियम हैलाइड ले लेते हैं, तो जैसे KBr ले लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड है। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे क्या बनने वाला है, तो जिस जो यहां पे हैलोजन लेंगे K के साथ क्या लिए Br, तो हैलोजन के साथ Br बनेगा, तो हम लोग ब्रोमोबेंजीन यहां पे बोल सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन, और बाकी वैसे ही बाहर जो निकलेगा वो सब में लिखते चले जाएंगे KCl। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 क्या हो सकता है, तो ये फिक्स लेना है और इसी को बोलते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसके साथ पोटेशियम हैलाइड रहता है, तब हम इसी को बोलते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। अच्छा एक और एग्जांपल, जैसे मान लिया कि यहां पे एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ऐसे N2Cl, अब इसका अभिक्रिया हम करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, KI के साथ, तो क्या बनने वाला है, यहां पे बनने वाला है कुछ इस तरीके से, यहां पे X यानी कि यहां पे I प्लस N2 प्लस KCl, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये भी आयोडोबेंजीन हो गया क्योंकि I जुड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे ये सीखे कि अगर हेलोबेंजीन हमें बनाना होगा, हेलोबेंजीन हमें बनाना होगा तो हेलोबेंजीन बनाने का दो तरीका सीखे। पहला कौन सा तरीका, कि बेंजीन को हेलोजन के साथ करा लो, उसमें भी आप हेलोबेंजीन बना लेंगे। दूसरा सैंडमायर अभिक्रिया से भी हम लोग उसका बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्रोमोबेंजीन वहां भी बन रहा था और अभी भी बनाए हैं, तो अभी हम लोग कौन सा अभिक्रिया का यूज करके बनाए हैं, सैंडमायर अभिक्रिया। पिछले बार कौन सा बनाए थे, पिछले बार हेलोजन और बेंजीन के साथ मिलाकर बनाए थे। तो टोटल यहां पे हम लोग देखे कि हेलोबेंजीन का निर्माण दो तरीके से होता है, और आप दोनों तरीका याद रखें तो बहुत बेटर है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये हेलोबेंजीन है कि हेलोबेंजीन को हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं, यानी उसका निर्माण कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उसकी पता है आपको हेलो एल्केन को भी हम लोग 2-3 पार्ट्स में बांटे थे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, उसमें भी पढ़े थे इलेक्ट्रोनस नहीं प्रतिस्थापन और धातु के साथ अभिक्रिया। तो आइए अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि आखिर हेलोबेंजीन जो है
हेलोबेंजीन जो है उसको हम लोग कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो हेलोबेंजीन को भी हम लोग तीन पार्ट्स में पढ़ना शुरू करेंगे। हेलोबेंजीन को कितने पार्ट्स में पढ़ना शुरू करेंगे, तीन पार्ट्स में, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर का नाम है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दूसरा का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहला का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा का नाम है धातु के साथ अभिक्रिया। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हेलो एल्केन को जितने पार्ट्स में जितने तरीके के अभिक्रिया हम लोगों ने देखा है, उसी तरीके से हेलो बेंजीन का भी अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेलो बेंजीन के कितने अभिक्रिया हैं, तीन अभिक्रिया। पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा धातु के साथ अभिक्रिया। यानी कि हेलो बेंजीन में भी तीन तरीके की अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। अब जब ये तीन तरीके का अभिक्रिया खत्म हो जाएगा तो हम लोगों का ये पूरा चैप्टर खत्म, क्योंकि पूरा चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको टॉपिक बनाया जाए। और ये टॉपिक के अंतर्गत तीन तरीके का अभिक्रिया हम लोग सीखेंगे। तो इस टॉपिक के नीचे नंबर वन लिखेंगे हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, ये हम लोग इसका पहला अभिक्रिया है, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पहला अभिक्रिया नाम है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। वैसे ही दूसरा करेंगे इस टॉपिक का अंतर्गत, तीसरा अभिक्रिया करेंगे, तो पहला क्या है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब इसके नीचे एरो देंगे और लिखेंगे, एरो देकर लिखा जाए, जब क्लोरोबेंजीन को, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, अभिक्रिया कराया जाता है तो फिनॉल का निर्माण होता है। फिनॉल, ऐसे लिखेंगे फिनॉल, फिनॉल का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फिनॉल का निर्माण कैसे होता है। तो पहला क्या है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोग यही लिखे हैं, हाइड्रोक्सिल समूह कहते किसको है, हाइड्रोक्सिल समूह OH को बोला जाता है, OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह, उसको हाइड्रोक्सिल बोला जाता है। तो हम लोग यहां पे सीख रहे हैं कि अगर कोई क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन कैसे होगा भाई, तो बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ेगा तब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम लोग, तो इस क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, Na मतलब सोडियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड।
तो यह इसीलिए तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आखिर हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन नाम क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे OH है, ठीक है। जब इसका अभिक्रिया कराया गया दोस्तों, तो यहां पे हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन हो गया। प्रतिस्थापन का मतलब कि वो अपना स्थान छोड़ के किसी दूसरे के साथ अटैच हो गया। जैसे ये वाला OH है, ये वाला OH का ट्रांसफरिंग हो गया OH का Cl के साथ। ये हम लोग तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं कि वो अपना स्थान जो है अदला बदली कर लेता है। तो जब ये OH यहां चला जाएगा तो रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा कि बेंजीन रिंग से जो Cl जुड़ रहा था अब OH जुड़ जाएगा, और ये Cl अगर बाहर आएगा तो Ma के साथ Cl जुड़ जाएगा। और दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। हालांकि इसको हम लोग अभी नहीं जानेंगे, हम लोगों को अगले आगे इसी में आगे चैप्टर है कहीं अल्कोहल के बारे में, ठीक है। तो इसके अगले चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल और इथर करके एक चैप्टर है, उसमें हम लोग सब चीज सीखेंगे कि अल्कोहल के ही कैटेगरी में फिनॉल भी आता है। तो यहां पे ये फिनॉल का निर्माण हो गया। तो पहला हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन नाम क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे हाइड्रोक्सिल OH का ट्रांसफरिंग हो रहा है, ये गया और ये क्लोरीन आया, यानी कि अदला बदली हो रहा है Cl और OH के साथ, इसलिए यहां पे हमें फिनॉल बना, ठीक है। अब दूसरा लिखा जाए, ये पहला है ना, दूसरा लिखा जाए, दूसरा एमिनो द्वारा प्रतिस्थापन, एमिनो द्वारा प्रतिस्थापन, दूसरा में लिखेंगे एमिनो द्वारा प्रतिस्थापन, इसमें लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर एमिनो द्वारा प्रतिस्थापन में जब क्लोरोबेंजीन को, जब क्लोरोबेंजीन को एमीन, एमीन के साथ, एमीन, एमीन या एमिनो दोनों एक ही है, और आपको जानना चाहिए कि एमीन का फॉर्मूला NH3 होता है। जब क्लोरोबेंजीन को एमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एनिलीन का निर्माण होता है, एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन का फार्मूला क्या है भाई? देखो आप सब चीज अगर अच्छे से समझ कर अगर याद करोगे वो चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। जैसे एनिलीन किसको कहेंगे, तो बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 को जोड़ेंगे वो हो जाता है एनिलीन, ठीक है। क्या लिखे, जब क्लोरोबेंजीन को एमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। चलिए अब एमिनो द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है, जरा इनको भी समझ लिया जाए कि क्या बोला जा रहा है इसमें। आप देख पा रहे होंगे एमिनो द्वारा प्रतिस्थापन है, तो इसमें भी बोला गया कि क्लोरोबेंजीन करो भाई, क्लोरोबेंजीन, तो यहां पे हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बेंजीन रिंग से क्लोरीन का जोड़ना क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एमीन के साथ, तो एमीन का मतलब NH3, ठीक है। जब एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोगों को क्या बनने वाला है, तो क्लोरोबेंजीन को अगर एमीन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो एनिलीन बनता है, और एनिलीन कब बनेगा, तो बेंजीन रिंग के साथ NH2, दैट इज एनिलीन।
अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ पे प्रतिस्थापन कैसे हो रहा है, तो हो रहा है भाई। NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं H NH2, नहीं लिख सकते क्या? अरे NH3 तो NH2 और H लिख सकते हैं ना, तो इसका अब NH2 है, इसका प्रतिस्थापन हो रहा है Cl के साथ, देख रहे हो, यानी कि NH2 यहां पे गया होगा तभी तो ये एनिलीन बन रहा है, और बाद बाकी क्या निकला तो H के, H तो रहेगा ही रहेगा, इसका ट्रांसफरिंग हो रहा है ना, तो Cl अब NH2 के जगह पे आएगा तो क्या बनेगा HCl। इसलिए डायरेक्ट वे में हम लोग NH3 इसको यहां पे लिखते हैं, और NH3 को ही हम लोग बोलते हैं एमीन या फिर एमिनो, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर था एमीन द्वारा प्रतिस्थापन। अब लिखा जाए साइनो द्वारा प्रतिस्थापन, साइनो ये कितना नंबर है भाई, ये थर्ड है, साइनो द्वारा प्रतिस्थापन साइनो। अब समझते हैं कि साइनो किसको कहेंगे, लिखा जाए इसमें जब क्लोरोबेंजीन को क्यूपरस साइनाइड जब क्लोरोबेंजीन को क्यूपरस साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो बेंजोनाइट्राइल बताते हैं क्या होता है बेंजोनाइट्राइल का निर्माण होता है। चलिए, यानी कि तीसरा नंबर जो है हम लोगों का वो साइनो द्वारा प्रतिस्थापन है। अब साइनो द्वारा प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, जरा इसको भी समझते हैं हम लोग कि साइनो द्वारा प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो साइनो द्वारा प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि जब कोई क्लोरोबेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, कॉपर साइनाइड या क्यूपरस साइनाइड, तो क्यूपरस साइनाइड का फॉर्मूला होता है Cu, क्यूपरस साइनाइड का होता है Cn, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है वो साइनाइड बन जाता है, तो इसका नाम हो जाता है क्यूपरस साइनाइड, ठीक है, क्यूपरस साइनाइड। अब ये क्यूपरस साइनाइड तो हो गया ना भाई, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को अब क्या बनने वाला है, तो अब हम लोगों को यहां पे बनने वाला है बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजोनाइट्राइल कब बनेगा, जब ये वाला जो सीएन है इसका विस्थापन हो जाएगा सीएल के साथ, ये सीएन सीएल के जगह पे और सीएल इसके जगह पे, तो अब हमको इसको बोलना पड़ेगा बेंजोनाइट्राइल। देखिए नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा यही टफ पड़ जाता है, रिएक्शन और दूसरा नाम, और इन चीजों का अगर आप गहरे से अच्छे से याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सीएन जब यहां चला जाता है तो यहां पे जुड़ जाएगा सीएन, इसीलिए बोला गया सीएन का माने साइनो, और साइनो का प्रतिस्थापन यानी साइनो का अदला बदली चेंज यहां पे हम बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल, और बाद बाकी क्या बच जाएगा, तो बाद बाकी सीयू तो रहेगा सीएन का ट्रांसफरिंग हुआ तो सीएल आ गया, तो सीयू सीएल यानी कि क्यूब्रिक क्लोराइड, ठीक है, यहां पे हमें इस तरीके से बेंजोनाइट्राइल बनेगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने
हेलोबेंजीन को पढ़ना शुरू कर दिया है। हेलोबेंजीन में तीन तरह का अभिक्रिया है, जिसमें हम लोग पहला टाइप्स का हो गया खत्म। अब अगले बार से हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोबेंजीन के लिए सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।